हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो जेक बोर्ड क्लास 8 का CMMSS का एग्जाम हुआ था, उसका रिजल्ट भी आ चुका है और काफी ज्यादा कमेंट आ रहा है रिजल्ट आने के दूसरे दिन से ही कि स्कॉलरशिप मिलने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या प्रोसीजर है कि स्कॉलरशिप बैंक अकाउंट में आएगा। ठीक है, तो देखिए, बैंक अकाउंट आपका खुद का रहना बहुत जरूरी है और इसके लिए पूरे झारखंड में एक मुहिम भी चलाई गई थी कि सभी स्कूलों के बच्चों का पासबुक अकाउंट यानी कि बैंक अकाउंट खोलना है और इसमें काफी लोगों ने खोला भी। मैंने इस पर वीडियो भी बना दिया था। आपके पास अपना अकाउंट नंबर रहना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, वैसे काफी सारे डॉक्यूमेंट लगेगा, वो मैं सब कुछ यहाँ पर बताऊंगा। बाकी जो प्रोसीजर है, एग्जैक्ट क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या होता है, ये अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि सबको पता है कि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना का परीक्षा फर्स्ट टाइम हुआ है, इस बार से ही शुरू हुआ है। तो देखिए, हो सकता है कि तुरंत ही कुछ अपडेट आ जाए, लेकिन अभी जो आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। थोड़ा सा सर्दी हो गया है, थोड़ा सा साउंड अलग हो रहा होगा मेरा, ठीक है, तो आप मैनेज कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहली बात, आपके पास अपना खुद का बैंक अकाउंट होना जरूरी है। ठीक है, खुद का ही होना चाहिए, अपने पेरेंट्स का नहीं चलेगा, खुद का होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात, आवासीय प्रमाण पत्र। आवासीय प्रमाण पत्र आप जितना जल्दी हो सके बनवा ले, अगर आप नहीं बनवाए हैं तो। आवासीय प्रमाण पत्र लगभग 15 दिन में बन जाता है। फिर नेक्स्ट है, जितने भी SC ST OBC वाले आप लोगों का जाति प्रमाण पत्र लगेगा, इसीलिए BC1 BC2 भी, ठीक है, OBC या BC1 BC2 SC ST जितने भी हैं, आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अगर नहीं बना है तो जल्दी से बनवा लीजिए। उसके बाद आय प्रमाण पत्र, EWS के कैटेगरी से आप फॉर्म भरे थे या फिर आप नॉर्मल फॉर्म भी भरे थे, ठीक है, जनरल को छोड़कर, तो आपको आय प्रमाण पत्र बनवाना जरूरी है। आय प्रमाण पत्र का वैसा जिक्र नहीं है बट EWS में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आय प्रमाण पत्र, तो उसको भी आप बनवा लीजिए। फिर नेक्स्ट है, अगर आधार कार्ड में कुछ मिस्टेक है, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक या डेट ऑफ बर्थ मिस्टेक, स्कूल का डेट ऑफ बर्थ, आपका UID का डेट ऑफ बर्थ यानी कि आधार का डेट ऑफ बर्थ, स्पेलिंग, नाम सब सेम होना चाहिए, नहीं तो फिर छोटा छोटा बात को लेकर फिर आप लोगों का स्कॉलरशिप कैंसिल हो सकता है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। और रही बात जनरल वालों का, तो जनरल वालों को कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपना आवासीय बनवा लीजिए, काफी है, जाति प्रमाण पत्र का जरूरत नहीं है, आय का भी जरूरत नहीं है, बट बनवा लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अभी तक आय का जिक्र नहीं हुआ है बट आपके पास आप फुल तैयारी में रहिए, आय प्रमाण पत्र मांगे तो तुरंत आप दे सके, अभी वक्त है, 15 दिन में बन जाता है, तो आप बनवा लीजिएगा। और जो भी अपडेट आएगा, ठीक है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जनवरी तक वेट कीजिए, जनवरी लास्ट तक अगर नहीं पता चलता है तो फिर से मैं जेक ऑफिस जाकर पता कर दूंगा कि क्या क्या प्रोसीजर है, बट उम्मीद है जे कि जो है वो जनवरी तक अपडेट दे देगा कि क्या क्या आगे डॉक्यूमेंट लगेगा। वैसे जो मैंने यहाँ पर बताया कि आवासीय, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और आधार कार्ड एकदम सही सही होना चाहिए। ठीक है, जनरल वालों को, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जनरल वालों को जाति प्रमाण पत्र का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यही है अपडेट, या फिर आप बोलिए, बहुत सारा कमेंट आ रहा था तो सोचा एक वीडियो बना ही दूं, क्योंकि सबको रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जो भी अपडेट आएगा मैं फ्यूचर में बता दूंगा, और जनवरी तक नहीं आएगा कुछ भी तो मैं खुद जेक ऑफिस जाकर पता करूंगा क्या प्रोसीजर है। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम एग्जाम हुआ है और आप लोग इंतजार कीजिए, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, लेट हुआ रिजल्ट आने में उसी तरीके से प्रोसीजर होने में लेट हो जाता है। अभी आप लोग क्लास 9 में हैं, क्लास 9 का जो फाइनल एग्जाम होगा उस तक आप लोगों का ये मिलना शुरू हो जाएगा, एग्जाम होते होते सब क्लियर हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद बस सब ओके है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वही जो मैंने अभी बताया, जितना भी सब कुछ रेडी रखिए, बाकी जो भी होगा आगे मैं बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन ऑल पर क्लिक कीजिएगा ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए गुड डे।